अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। हमने मुमरा कौसा के लिए, मुमरा कौसा जी ने 66 करके एक क्विज कंपटीशन रखा है, जो कि पहले 28 तारीख को हमने रखा था, बट हमने उसको एक हफ्ता बढ़ा दिया है। 3 जून को अब हमने वो क्विज कंपटीशन रखा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि अब भी हम लोग छुट्टियाँ चल रही है, तो हम गाँव में हैं और हम छुट्टी मनाने गए हैं, तो आप क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन्स हर बार नहीं होते, बार बार नहीं होते, साल में एक बार ही होगा ऐसा कुछ, तो आप थोड़ा उसको टाइम दें ताकि हम लोग टिकट वगैरह करा के जल्दी आ जाए। तो हमने उस सब बच्चों का सोचकर और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने इसको एक हफ्ता और बढ़ाया है। अब हमने इसको 3 जून को रखा है। बाकी सारी चीज़ें वही है जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताई थी। मैं एक बार वापस से मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को इस चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम ये पहली बार हो रहा है, ये यूनिक प्रोग्राम है एक मुमरा कौसा के बच्चों के लिए, तो एक एक जानकारी आपको होना इसकी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ये जो है, ये इसमें 7 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ए में 1st to 4th स्टैंडर्ड के बच्चे पार्ट ले सकते हैं, कैटेगरी बी में 5th to 7th स्टैंडर्ड के बच्चे पार्ट ले सकते हैं, कैटेगरी सी में 8th to 10th स्टैंडर्ड के बच्चे पार्ट ले सकते हैं, कैटेगरी डी में 11th से 15th स्टैंडर्ड के लोग पार्ट ले सकते हैं, कैटेगरी ई में 21 साल के ऊपर के जो मेल है वो सब पार्ट ले सकते हैं, कैटेगरी एफ में 21 साल के ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं वो पार्ट ले सकती है, और कैटेगरी जी हमने स्पेशल बनाई है ओनली फॉर दीन, जिनको दीनी बातों की ज़्यादा नॉलेज है, जो मदरसे के बच्चों या इन जनरल भी जो लोगों को दीनी बातों का नॉलेज है वो उस कैटेगरी में भाग ले सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज में पहला राउंड होगा एमसीक्यू का। एमसीक्यू के राउंड में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपके लेवल के जनरल नॉलेज के हिसाब से। अभी जो आप ए कैटेगरी में होते हैं, आपके हिसाब का जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाएंगे। हर कैटेगरी के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से, किसी के लिए जो बड़ी स्टैंडर्ड में उनके लिए थोड़ा सा यूनिक हो सकता है, जो छोटी स्टैंडर्ड उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है, वैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दिए जाएंगे फर्स्ट राउंड में। फिर उसमें से हर कैटेगरीज में से हम लोग जीनियस बच्चे सिलेक्ट करेंगे जिनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। फिर उनका सेकेंड राउंड जो है वो स्टेज पे होगा, वो क्वेश्चन आंसर होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। जो बच्चा जितने सही जवाब देगा उसका उतना प्राइज मनी बढ़ते जाएगा, जैसे हम केबीसी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपके जितने सही जवाब होंगे उतना आपको प्राइज मनी आपका बढ़ता जाएगा। बट सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी है कि हर पार्टिसिपेंट को मेडल और सर्टिफिकेट है, और ऑडियंस में से भी बीच बीच में से सवाल किए जाएंगे, उनको भी प्राइज दिया जाएगा। एक्चुअली क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव है, हम हर प्रोग्राम के पीछे हमारा एक विजन होता है, एक मोटिव होता है, और हमारा विजन ये है कि हम मुमरा कौसा के बच्चों को और लोगों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ये सोच है कि पढ़ेगा मुमरा तभी तो बढ़ेगा मुमरा, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखे, वो मोटिवेट हो, तो हम इसीलिए सबको मेडल सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि इस बार वो जब ये देखेंगे प्रोग्राम को तो मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे के दिमाग में एक साइकोलॉजी बनेगी कि अगले साल हम और पढ़ के आए और मेहनत करें, ताकि क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है तो हम अच्छे से पढ़े, तो इस तरीके से बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। अच्छा, एज वगैरह क्या रखा है? एज मैंने आपको कैटेगरी बता दी, देखिए आप 1st से 4th तक के जो बच्चे उस स्टैंडर्ड में होंगे वो आएंगे, और अगर कुछ स्पेशल केसेस है कि कुछ मदर्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो कम एज के हैं बट उनको नॉलेज है, हमने सिखाया है, तो हम उनको भी आने दे रहे हैं, बिकॉज हमको बेसिकली हमारे बच्चों को मोटिवेट करना है कि आप अच्छे से पढ़ो, इल्म की तरफ ध्यान दो। फर्स्ट प्राइज क्या रखा गया है मैडम? देखिए हमने आपको ना प्राइज मनी, आपने जितने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए आपको उतना प्राइज मिलेगा, और जो उसमें से ऊपर जितने भी लोग जाएंगे, हर कैटेगरी में से कुछ लोग जाएंगे ऊपर, जिसने जितने सवाल का आंसर दिया उसको अपना प्राइज मनी बढ़ेगा, और हर कैटेगरी में से जो विनर्स होंगे उनको बड़ी वाली ट्रॉफी, और उनका अलग से भी उनको और प्राइज दिए जाएंगे, और उनको मेडल सर्टिफिकेट जो बाकी सबको वो भी है। मर्जा, आपने ये प्रतियोगिता कहाँ रखी है, उसका टाइम क्या होगा? ये हमारे दरगाह रोड पे रखा है, हमने अमृत नगर दरगाह रोड पे, इसका टाइम है शाम को 5 बजे इंशाल्लाह ये शुरू होगा, और फिर वो 10 बजे तक के इंशाल्लाह चलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस क्या क्या है? इसके लिए देखिए हमने काफ़ी जगहों पे हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर्स रख दिए हैं, अमृत नगर में रखा है, हासवाला में रखा है, और तनवर नगर में रखा है, पिंडिया में रखा है, और भी गुमरा स्टेशन पे रखा है, काफ़ी सारी जगह पे हम लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर्स रखे कि जो लोग इधर तक नहीं आ सकते, अमृत नगर तक नहीं आ सकते, तो वो लोग वहाँ पे जाके भरे, और जिनको यहाँ पर आना है, मुझसे मिलना है पर्सनली और इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो यहाँ पर आके अपने बच्चे का नाम, और उनको बिकॉज ऑफकोर्स उनको फॉर्म में
सिलेक्ट करना पड़ेगा ना टॉपिक के वो कौन सी मतलब कौन से स्टैंडर्ड में आते हैं, तो उनके हिसाब से क्वेश्चंस प्रिपेयर, बाकी कोई नहीं है। बच्चों के जज करने के लिए यहाँ के लोकल जजेस रखे गए कि बाहर से जजेस को बुलाए गए? देखिए क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करेंगे तो आंसर्स भी हमारे पास ही होंगे, तो टीचर्स रहने वाले हैं जो वो आंसर्स देके फर्स्ट राउंड जो है उनका वो एमसीक्यू है, तो उनको वो आंसर्स भी प्रिपेयर हमारे पास ही करके रहेंगे, मेरे पास ही रहने वाले। दीनी भी कॉन्फिडेंस रखा गया है तो उनके लिए क्या जजेस के लिए? दीनी के भी क्वेश्चन मैं और दो तीन जो है हमारे जो दीन के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं वो बैठ के क्वेश्चंस बनाएंगे, और आंसर्स तो ऑफ कोर्स जब हम क्वेश्चन ही हम बना रहे हैं तो आंसर भी तो हमारे पास ही होंगे ना, तो हम उसको खुद ही वो करेंगे। जो दीन के भी कुछ टीचर्स हैं जो दीनी बातें सिखाते हैं उनको रखने वाले, और जो जीके के लिए भी हम लोगों ने स्कूल और क्लासेस से टीचर्स को बोला है। इस प्रोग्राम के लिए शहर की जनता से आप क्या अपील करना? बस मैं यही अपील करना चाहूंगी कि देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप जितना इल्म सीखेंगे आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में उसका यूज जरूर होगा, तो आप इल्म सीखिए और इल्म बढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा गुजारिश करती हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती इस प्रोग्राम में डालिए, क्योंकि वो उनका एक साइकोलॉजी क्रिएट होगी अच्छा पढ़ने की, और आगे अच्छे उनका जो ध्यान, हम हमेशा बोलते हैं कि मुमरा को सके बच्चों का ध्यान इधर जा रहा है उधर जा रहा है, फ़ोन में जा रहा है इसमें जा रहा है उसमें जा रहा है, तो इसलिए हम ये रखते हैं कि आप पेरेंट्स अगर इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट रहेंगे बच्चों के साथ तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहेगा। थैंक यू जी सर।